हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि असली पश्चाताप क्या होता है, यानी पछतावा। अक्सर आप देखते होंगे कि रास्ते में जब कोई व्यक्ति किसी से ठोकर लग जाती है तो वो क्या करता है, सॉरी बोल के निकल जाता है। तो क्या उसके अंदर कोई पछतावा हुआ? नहीं। लेकिन पश्चाताप ऐसी चीज है जो हमारे अंदर से निकलती है, अंदर से यानी हमारे दिल को एकदम चीर देती है और वो बात कहने को मजबूर कर देती है जो वो इंसान कहना चाहता है। उसके आंसू रुकते नहीं है, उस व्यक्ति को दिन और रात नहीं दिखाई देते हैं। उसको कहा जाता है असली पछतावा। बाइबल की भाषा में जानते हैं उसे क्या कहा जाता है? मन फिराव। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे हम कि एक मनुष्य को पछतावा यानी मन फिराव करना क्यों जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 15। अब ये वचन बताता है दोस्तों कि एक पिता के दो संतान होते हैं, तो उसमें जो छोटा वाला होता है वो बहुत ही स्वार्थी था। वो चाहता था कि मेरे पिता की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो बांट दे, उसमें बंटवारा हो जाए और मैं अकेले उसका खूब मौज मस्ती करूं। अब देखिए पिता क्या सोचता है। वो यही सोचता है कि ये कितना स्वार्थी बेटा है कि ये मेरे मरने तक का इंतजार नहीं कर रहा है। अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे समाज में अक्सर जब बाप मर जाता है तब उसके बाद उसका बंटवारा होता है। बहुत से लोग तो उसके पहले भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें जानते हैं सबसे अधिक तकलीफ उस बाप को होती है। अब पैसे का महत्व वो क्या जाने जिसको सब कुछ मुफ्त में ही मिल गया है। महत्व तो वो समझेगा ना जिसने एक एक रुपए इकट्ठा कर कर के घर बनवाया, बच्चों की शादी किया, पढ़ाया लिखाया। अब उसका महत्व वो बेटा क्या जानेगा। अब वो बाप सोचता है कि अब ये नालायक बेटा मेरी बात तो मानेगा नहीं, तो वो क्या करता है, वो उसे जाने देता है। उसका जो भी हिस्सा बंटवारा होता है लगा करके उसे दे देता है और वो परदेश में निकल जाता है मौज मस्ती करने के लिए। अब जब वो परदेश जाता है तो बहुत दूर देश में कहीं चला जाता है, तो वहाँ जो है वो कुकर्म में या अय्याशी में या नशे में जो भी वो पैसा लेकर गया था अपने घर से वो सब उड़ा देता है। अब उस समय बैंक तो चलते नहीं थे कि बैंक में अपना पैसा डाल लो और जहाँ मर्जी हो निकाल लो, तो वो सारा पैसा जो है अपने साथ ही लेकर चलता था। कहीं भी जाता था तो वो साथ ही लेकर घूमता था। उसके बहुत भी दोस्त मिले, जब तक उसके पास पैसा था तब तक तो उसे उसके साथ रहते थे, खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे। लेकिन ज्यों ही उसके पास पैसा खत्म हो गया तो उसका क्या बुरा हाल होता है अभी हम आगे देखेंगे। तो कुछ दिनों के बाद वहां अकाल पड़ता है और उसके पास कुछ नहीं बचा, ना ही खाने के लिए ना ही पीने के लिए एक रुपया तक नहीं बचता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसने दोस्तों के साथ, लड़कियों के साथ अपना सारा पैसा जो है बर्बाद कर चुका। अब दोस्तों, वो परदेश में यहाँ वहाँ भटकता था, एक तो वहाँ पर अकाल पड़ गया था। अब जहाँ अकाल पड़ा हो वहाँ खुद ही खाने को नहीं है वहाँ के लोगों को, तो तुम्हें क्या खाने को देंगे सब। तो बहुत परेशान हो गया, वो दाने दाने के लिए तरसने लगा। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो घर जाए या तो वो मर जाए। अब दोस्तों, वो भटकते भटकते गया और वो काम खोजने लगा कि कहीं मुझे कोई भी काम मिल जाए, मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे केवल खाने को मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, मैं किसी तरीके से जिंदा रहूं। कुछ दिनों के बाद जानते हैं उसे क्या काम मिलता है? सुअरों की रखवाली करने के लिए। वो भी उसे मालिक काम नहीं दे रहा था, लेकिन उसने बहुत विनती किया, बहुत निवेदन किया, तब जाके उसको जो है काम मिला। और उसको खाने को क्या मिलता है? जो सुअर खाएंगे वही उसको भी खाना पड़ेगा। बताइए, इतना बुरा समय किसी को ना दे परमेश्वर। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई भी इंसान परमेश्वर से दूर जाएगा उसका यही हाल होगा। अब जब उसे कुछ दिन बीत जाता है सुअरों के साथ रहते रहते, तो वो सोचता है कि मेरे पिता के घर में कितने ऐसे नौकर हैं जिनको भर पेट खाने को मिलता है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। ऐसे उसके मन में ख्याल आते हैं, वो सोचता है ऐसा। अब वो सोचता है कि मैं अपने पिता के घर चल रहा हूँ और उससे मैं क्षमा मांगूंगा, और यदि नहीं माना तो मैं उसके पैरों पर गिर जाऊंगा कि हे पिता,
तू मुझे अपने घर में एक नौकर ही रख ले, लेकिन तू मुझे खाने को दिया करना। तो ये सोचकर वो अपने घर को चलता है। अब दोस्तों उसके अंदर पछतावा हो रहा है कि मैंने परमेश्वर की नजर में भी और अपने पिता की नजर में भी बहुत बड़ा पाप किया है, अपराध किया है। वो सोच रहा है कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और वो नहीं मानेगा तो मैं उसके पैरों पर गिर जाऊंगा, लेकिन मैं उसे मना के रहूंगा, मैं उसे क्षमा मांग लूंगा। इस तरीके से वो व्यक्ति अपने पिता के पास चलता है। तो दोस्तों इस कहानी से यही स्पष्ट होता है, प्रभु यीशु मसीह यही कहता है हम लोगों से कि आज इस दुनिया का एक एक व्यक्ति, मतलब हम सभी लोग भटके हुए हैं उस इंसान की तरह। हम लोग पाप और बुराई से मन नहीं फिराना चाहते हैं, परमेश्वर से अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। अब यहाँ जब हम अगले आयत में पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पुत्र कहता है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। कहने का मतलब यह है कि अब वो बेटा कहता है कि पिताजी अब मेरा मन बदल गया है, मुझे अपने पापों पर पश्चाताप हो रहा है, इसलिए तू मुझे माफ कर दे। परमेश्वर इस संदेश से कहना चाहता है कि अभी भी मौका है, यदि तुम लोग मुझसे आकर माफी मांग लो और मुझसे अपना परेशानियां बताओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि पापों की क्षमा केवल वही दे सकता है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वही हमारा उद्धार कर सकता है। अब दोस्तों इतनी बात जब वो उसका पिता सुनता है तो दौड़ के आता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है और अपने नौकरों से कहता है कि जल्दी से अच्छा वस्त्र लेके आओ और उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और उसके पैरों में जूतियां पहनाओ। इस दुनिया का कोई भी बाप हुआ जब अपने बेटे को इस हालत में देखेगा तो क्या उसका कलेजा फट नहीं जाएगा कि मेरा बेटा जो है अब तक मर गया था लेकिन अब वो मेरे पास आ गया है, वो जी उठा है। अब दोस्तों यहाँ सोचने की बात ये है कि जो बेटा लड़कियों के चक्कर में अय्याशी में या नशे में अपना सारा धन बर्बाद कर दिया, फिर भी पिता का प्यार ऐसा है कि उसने उसे ठुकरा नहीं रहा है, हालांकि वो उसकी बांट जो रहा है, उसको खोज रहा है। अब दोस्तों जब हम यहाँ आगे देखते हैं तो यहाँ पिता कहता है कि ये मेरा बेटा मर गया था, फिर जी गया, हो गया था, अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि शरीर से कोई भी व्यक्ति जीवित तो रहता है लेकिन आत्मा से मरा हुआ होता है, और हम जीवित तब होते हैं जब हम परमेश्वर से अपने पापों का क्षमा मांगते हैं, अपने आप को पश्चाताप करते हैं उस पुत्र की तरह कि हे पिता मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती से सब कुछ हो गया। अब वो बेटा क्या करता है, अपने बेटे को पाने की खुशी में जो भटक गया था घर में खुशियां मनाता है, आनंद मनाता है, पूरे गांव वालों को अपने खाना खिलाता है। क्यों? खुशी में। उसी तरीके से हम भी खुशी मनाएंगे जब हमारा रैप्चर होगा तब। इसीलिए लूका 15:10 में लिखा है, एक पापी के मन फिराव पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब जब उसका बड़ा भाई आता है तो वो देखता है कि मेरे घर में कैसी नाच गाना और जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। तो लोगों से पूछता है तो लोग कहते हैं कि तेरा ये छोटा भाई आया है। तो वो बहुत ही क्रोधित होता है, वो इसलिए कि वो सोचता है कि मैं तो अपने पिता के साथ हमेशा काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और ये लफंगा लड़का जो है, जो घर से भाग गया था, सारी पूंजी बर्बाद करके आया है, इसके लिए जश्न मनाई जा रही है। ये सोचकर जो है वो बहुत ही गुस्सा होता है। लेकिन जो ही उसके बाप को ये बात पता चलती है तो उसका बाप आता है उसके पास दौड़ के और कहता है कि बेटा देख, जो ये तेरा भाई आज भटक गया था, जो खो गया था, क्या इसका आज तुझे खुशी नहीं है? क्या तेरा ये भाई नहीं है? उसका बाप कहता है कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि जो ये तेरा भाई आवारागर्दी किया करता था, दिन रात लड़कियों के साथ नशे में धुत रहा करता था, आज वो सुधर गया है, आज वो बदल गया है, तुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो ऐसी धन दौलत और पैसे बहुत इकट्ठे कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपने कर्मों के दम पर बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, यानी उनके अपने कर्मों पर घमंड होता है, जैसे कि ये बड़ा बेटा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कोई अपने पापों से मन फिरा लेता है और आकर मुझसे क्षमा मांग लेता है,
तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, ठीक उस पिता की तरह। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है इस कहानी के माध्यम से कि परमेश्वर ये चाहता है कि ये मेरे बच्चों तुम इस दुनिया में भटक गए हो, तुम जब भी आकर अपने पापों से मन फिरा लोगे और मुझसे क्षमा मांग लोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।